बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा, जहां एक्टर शेखर सुमन के साथ दिल्ली में सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि वह छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया है राधिका खेड़ा ने। कांग्रेस छोड़ने के बाद राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने दिल्ली में एक्टर शेखर सुमन के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। छत्तीसगढ़ में जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद 5 मई को राधिका ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसके बाद सोमवार को उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। और अब राधिका खेड़ा जो कि बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जो तस्वीरें उस वक्त की जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और साथ में नजर आ रहे हैं शेखर सुमन जो कि अभिनेता हैं, और अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं शेखर सुमन भी। राधिका खेड़ा जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे सुशील आनंद शुक्ला पर, और उन पर कार्रवाई नहीं हुई शिकायत करने के बावजूद भी, जिससे आहत होकर कांग्रेस पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए, तमाम नेताओं पर आरोप लगाए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी भेज दिया था। और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जो छत्तीसगढ़ में विवाद हुआ था, छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।